विजय भूषण जी की गल हुई बाबा पीर कलोनी ओल्ड मंडोफर रोते अज सवेरे करीब 7 बजे दो अणपछाते व्यक्तियों ने ना नहीं पता मैं साढ़े आंटी जी ने गुआढ़ी उन्होंने गोली मारी उन्होंने बांह में लगी तो बचाव हो गया आंटी जी ने देखे ने एक दो साडे गुआंढी दो लिया उन्होंने देखे नहीं उन्होंने मूंह देने हुए रुमाल मेरा नाम गुरचरण सिंह है जी कुछ नहीं पता लगे सवेरे माता पर गोली चला गई दो जने हाँ जी उन्हें रुमाल बन्ने भी तो मूँह से मोटरसाइकिल तो स्पलेंडर मोटरसाइकिल जी तो एक बुढ़ा से मुंडा तो एक सरदार से मम्मी दुध पवा रहे थे ना भी अपना जमीन का ही रौला चलता जी साडा हाँ जी धुम्मा पिंड जमीन है 17 कील नहीं उत्थे ओदा रौला चल साडा पहला जाने इदा ही कोई वारदा चलता सी किसे जी मेरे नानक की जमीन है हाईकोर्ट तो जित गई असी सड़क च होया तो तकरीबन 1.5 साल हो गया जी सुरजीत हो रहे गोली मार गए मुंडे कौन सी गए हाँ जी एक तो इत्थे लग गया हाँ जी आ बांह ते लगी कारण तो मेरी जमीन का जरा वे करके हाँ जी बंदे पछाण नहीं आए उन्ने वे तो उन्होंने हाँ जी हाँ जी अच्छ सवेरे सवेरे तकरीबन 7 बजे सानू इनफॉर्मेशन पहुंची कि एक लेडी ने सुरजीत कौर वाइफ ऑफ नसीब सिंह पिंड बलाड़े के रहने वाले ने जो कि हूँ करीबन 10 सालों तो फतेह साहब विच बाबा पीर कॉलोनी रह रहे सन इन्हों की उम्र करीबन 78 ईयर्स हैगी है इन्होंने दो अणपछाते व्यक्तियों ने आर्म्ड हमला किया है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पता चलिया है कि ये बाहर घरों बाहर दुध लाए थे तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल ते दो मुंडे मुँह ढके हुए थे उन्होंने तो मोटरसाइकिल की भी कोई आइडेंटी हमें डिस्कलोज नहीं हो पाई है तो उन्होंने इन्होंने अटैक किया गोली दे नाल एक फायर किया तो उहदे नाल इन्हों का राइट फोरआर्म जिहड़ा हैगा इंजर हो गया मेडिकल प्रोसीजर इन्हों का चल रहा ते बाकी इहदे बारे जो जिवें बयान दिते जांदे ने ते जिहड़ी भी गल हुंदी है कानून मुताबिक कारवाई कीती जी जो हुण तक लोकां चों गल्लां बातां बारे पता चलिया इहो जी कोई गल सामने आ रही है पर हजे असी अंडर इनवेस्टिगेशन है मैटर ते असी जदों ही क्लीयर हुंदा इहदे बारे कह के हटी हां कि हजे प्रिलिमिनरी स्टेज ते इनवेस्टिगेशन इक वारी इहदे बयान लै के ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ